चैप्टर थ्री पार्ट टू लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों के लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप ऐसे विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हें नियमों के सहारे चलता था जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता के संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या दीक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। वोट्स फॉर मैन वुमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले ही पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोग को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाए रखी थी कि महिलाएँ ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला।